हेलो एवरीवन। सो आज मैं सोच रही हूँ कि मैंने ऐसे सोचा कि मुझे एक बड़ी कार परचेज करनी है। मेरा बहुत मन हो रहा है कुछ न्यू कार लेने का, लेकिन अब क्या करूँ, इतना फाइनेंस तो है नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैं जाती हूँ मम्मी के पास। मैं गई मम्मी के पास, मम्मी मुझे तो कार लेनी है, मुझे पैसे चाहिए। मम्मी ने कहा इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, तू जा पापा से बात। पापा के पास गई, पापा ने कहा फालतू खर्चे के लिए पैसे है नहीं, अब मुझे तो लेना है, कैसे लूं। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा बहुत सेविंग तो है मेरे पास, वो चल जाएगा। थोड़े बहुत भाई बहन से के पास भी होगा, उनसे ले लूंगी थोड़ा बहुत। और थोड़े बहुत दोस्त तो काम आएंगे ही ना, वो कब काम आएंगे मेरे ऐसे टाइम पे, नहीं तो कब काम आएंगे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं क्या करूं, मेरे दोस्तों से ले लेती हूँ। और फिर थोड़ा बहुत तो मम्मी के पास रहता ही है, मम्मी सारा नहीं दे सकती बट थोड़ा तो दे ही सकती है ना। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, थोड़ा बहुत मम्मी से ले लूंगी। दोस्त को तो शायद वापस इंटरेस्ट भी देना पड़े कुछ टाइम बाद, लेकिन मम्मा तो ऐसे ही दे देगी, चीपेस्ट कॉस्ट हो गया ये तो मेरा। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा बहुत मम्मी से ले लेती हूँ। तो ये क्या हुआ, ये मैंने क्या किया, डिफरेंट सोर्सेज हो गए। मम्मा से ले लूंगी, भाई बहन से ले लूंगी, फ्रेंड से ले लूंगी, और थोड़ा मेरा खुद का सेविंग हो गया। तो ये सब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गए डिफरेंट सोर्सेस के, जिससे मैं क्या करूंगी, कार को परचेस कर लूंगी। तो वही आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ये चीज हम बिजनेस में बोलेंगे कि ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। जब फाइनेंस की जरूरत होती है तो डिफरेंट सोर्सेस के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। सो लेट्स स्टार्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। सो विल स्टार्ट नाउ द टॉपिक दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, जब बात करते हैं बिजनेस की, कंपनीज की, जब उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जब कंपनी स्टार्ट होती है, तो क्या होता है, उन लोग को फंड चाहिए। तो अब फंड के लिए वो सोचते हैं हम लोग फंड कहाँ से रेज करें, ओनर्स कैपिटल खुद का क्रिएट करें या बाहर से लें। हम लोग को बाहर से भी जरूरत है और हमारे खुद की कैपिटल की भी जरूरत है। तो क्या मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूं, इक्विटी शेयर्स इशू करना तो मैंडेटरी है, तो क्या मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूं, मैं डिबेंचर्स इशू करूं, मैं प्रिफरेंस शेयर्स इशू करूं, या बाहर से बोरो करूं, लोन लूं, पब्लिक डिपॉजिट्स करूं, क्या करूं। तो जब हम बोलते हैं कि कंपनी को इस तरीके से फंड की रिक्वायरमेंट और वेरियस सोर्सेस से वो क्या करती है, फंड को रेज करती है, उसे बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। वेरियस सोर्सेज आर प्रेजेंट हेयर फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंड, तो उसे बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान टू एस्टिमेट नीड ऑफ कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें ये देखना है कि मुझे कितने फंड की जरूरत है, मुझे कितना कैपिटल चाहिए। और सेकंड सोर्सेस, सोर्सेस में क्या रखूं, इसमें कहां से लेना है मुझे, प्रेफरेंस शेयर इशू करूं, इक्विटी वापस इशू करूं मैं, डिबेंचर्स, लोन जो चाहिए उससे। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कैपिटल हमें कितना चाहिए एंड सेकेंड सोर्सेज ऑफ कैपिटल हमें कहाँ से लेना है, कहाँ से मुझे चीप रेट में मिलेगा, मेरी कंडीशंस को फुलफिल करेगा, मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, जैसे भी मुझे चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोर्सेज डिसाइड करने होंगे। देन इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल लाइक इक्विटी, प्रिफरेंस, डिबेंचर्स, रिजर्व एंड लोन फंड। तो मैंने यही बताया कि कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट सोर्सेज का, इक्विटी से ले, प्रेफरेंस, डिबेंचर, रिजर्व एंड लोन फंड। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन फॉर द आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, आपने अकाउंट्स में देखा होगा जब बैलेंस शीट हम क्रिएट करते हैं तो असेट्स और लाइबिलिटीज रहता है। तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल रहता है सबसे पहले, उसमें लिखा रहता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, राइट। बैंक लोन होता है तो वो भी रहता है लाइबिलिटी साइड में। तो ये सब चीजें क्या है कि ये वो बताता है कि कितना हमारा खुद का ओनर्स फंड है और कितना हमने बाहर से लिया, बैलेंस शीट में ये दिखाता है। तो जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है फंड की, तो आपको क्या लगता है बैंक ऐसे ही दे देता है या दूसरी हम कोई भी इंस्टीट्यूशन से पैसा लेंगे ऐसे ही दे देगा? नहीं, वो आपका ये बैलेंस शीट स्ट्रक्चर देखेगा जिसमें देखेगा आपका कैपिटल कहाँ कहाँ से रेज है। अगर मैं बोलूं मेरे इसमें 50 लाख का कैपिटल दिख रहा है, तो उस केस में वो देखेगा 50 का मैंने कहाँ कहाँ से लिया है। मैंने कहा 30 तो मेरा खुद का है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का, और 20 मैंने बाहर से लिया है। तो वो क्या होगा, वो एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर दिखेगा आपका। अगर आप ये दिखा रहे हो 30 आपने बाहर से लिया है, 20 आपका खुद का है, तो ये क्या होगा, ये प्रिफरेबल नहीं होगा, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंसिंग नहीं होगा, जिससे कोई अट्रैक्टिव नहीं हो सकता।
आपको कोई भी फंड फाइनेंस क्यों देगा जब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब आपका बैलेंस शीट अच्छा होगा। तो हमेशा कैपिटल स्ट्रक्चर 50:50 के रेशियो में होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं 60:50 होना चाहिए। मतलब खुद का फंड हमारा ज्यादा दिखे और बाहर का कम दिखे, नहीं तो ये लगेगा कि बाहर से आप लोगों ने तो पैसा लिया, आपकी लायबिलिटी तो बाहर की ज्यादा है, तो कौन आपको पैसा जल्दी से देगा? कोई फंड आपको जल्दी से नहीं देगा। तो वही चीज है यहाँ पे कि आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। कि आपका ये कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होगा जभी तो लोग आपको फाइनेंस दे देंगे, कोई भी आपको फंडिंग दे देगा, राइट? तो वही हम देखते हैं इसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे 5% प्रिफरेंस भी इशू कर दिया, 10, 15, 20 ऐसे अपने प्रिफरेंस शेयर इतने टाइप्स के इशू कर दिए, नहीं, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए। ज्यादा उसमें सिक्योरिटीज आप इशू मत करो, 2 to 3 सिक्योरिटीज आप इशू करो। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स आपने कर दिया, ऐसे नहीं बहुत वैरायटीज ऑफ प्रेफरेंस कर रहे हो, बहुत वैरायटीज ऑफ इक्विटी, तो ये आपका स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल मींस अगर मैं बोलूँ अभी मेरा 50:50 है, बाहर से भी मैंने 50% लेके रखा है, खुद का भी 50 है, तो मैं चाहूँ तो उसे चेंज भी कभी भी कर सकती हूँ, 60:40 कर सकती हूँ, 70:30 कर सकूँ। तो इस तरीके का मेरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अट्रैक्टिवनेस, जो मैंने कहा बाहर के लोग आपको ऐसे ही पैसा नहीं दे देंगे, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर देखा जाएगा, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कोई भी आपको फंड दे सके। तो 50:50, 60:40 ये करो आप। एडिक्वेट फाइनेंस, इस तरीके का आप स्ट्रक्चर बनाओ कि आपके पास एडिक्वेट फाइनेंस आ जाए। मुझे 1 करोड़ चाहिए और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 2 करोड़ का फाइनेंस कर रही हूँ, तो ये चीज सही नहीं है। मैंने ये पहले भी समझाया कि आपको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी बट आपने 2 करोड़ ले लिए, तो क्या हुआ, ये 1 करोड़ एक्स्ट्रा ले लिया, जिसपे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए बर्डन क्रिएट हो जाएगा, एक तरीके से लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी। तो आप पहले मेजर करो आपको कितना चाहिए और उसके बाद आप फाइनेंस क्रिएट करो। प्रॉफिटेबिलिटी, इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट जो है वो कम नहीं हो, उसपे अफेक्ट नहीं पड़े। वही चीज अगर आप बाहर से पैसा लेते रहोगे, फंड लेते रहोगे, तो उस केस में क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी ज्यादा आएगी, आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा और आपका प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट पे हमेशा हमें ध्यान रखते हुए हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। देन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मीन्स हमेशा हमारे पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि हम हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को पे कर सकें। जो आपने बाहर से लिया है, बोरो किया, उस पर तो आपको इंटरेस्ट देना ही है, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाए या लॉस, आपको बाहर तो पैसे देने ही है जो आपने बाहर से लिए। तो उस केस में वो बोल रहा है इस तरीके से आप मेंटेन करो कि आपकी लिक्विडिटी, पैसा आपके पास हमेशा रहे। देन बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मीन्स वही कि आप 50:50 रेशो हमेशा रखो। दैट इज वो एक अच्छा रेशो माना जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में, 50 खुद का है, 50 आपने बाहर से ले लिया। देन इकोनॉमी, वही कि आपने इकोनॉमिकल कॉस्ट मिनिमम हो, कि ऐसे नहीं मैंने कहीं से भी फंड ले लिया, मैं 10 जगह पूछूंगी और देखूंगी कौन सा मेरे लिए अफोर्डेबल है। एंड सॉल्वेंसी, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर क्रिएट करो कि आपके लिए बर्डन कभी क्रिएट नहीं हो और कभी इनसॉल्वेंसी जैसा सिस्टम नहीं आए। आप बाहर से लेते रहोगे और आपके लिए बर्डन क्रिएट हो जाएगा, तो क्या वो सही है? नहीं, उस केस में आपके लिए कभी इनसॉल्वेंसी आ सकता है कि आप पैसे देने के लायक भी नहीं रहो। तो हमेशा हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से हो कि आप हमेशा बैलेंस रखें और आप कभी भी इंस्टॉलमेंट ना हो, बर्डन क्रिएट नहीं हो। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई, दैट इज आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको लर्न करने का मैंने एक दिया है आपको मेमोरी टेक्निक, दैट इज लाइफ सिंपल होने के साथ, राइट? लाइफ सिंपल होने के साथ ये सिंप्लिसिटी क्रिएट हो गया, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए और साथ में अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए। होनी चाहिए ना या नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियसली हम बोलते सिंपल के साथ थोड़े अपडाउन तो होने चाहिए और अट्रैक्टिव तो होनी चाहिए, बट होगी कैसे? कैसे होगी? जब पॉकेट में एडिक्वेट फाइनेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी बैलेंस हो विथ इकोनॉमिकल कॉस्ट एंड सॉल्वेंसी। कवर हो गए आपके सारे पॉइंट, एडिक्वेट फाइनेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, बैलेंसिंग, इकोनॉमी एंड सॉल्वेंसी। आइए चीज समझ में कि लाइफ सिंपल के साथ हम चाहते हैं फ्लेक्सिबल तो हो कि ताकि अपडाउन तो आनी चाहिए, नहीं तो मजा कैसे आएगा, लेकिन अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए। बट होगी कैसे? अट्रैक्टिव हम बोलते हैं हमें लग्जरी लाइफ चाहिए, हमें घूमना है, फिरना है, मजे करने हैं, तो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो ये सब होगा कैसे? जब पॉकेट में फाइनेंस होगा, प्रॉफिट होगा, लिक्विडिटी बैलेंस होगा, मतलब हमेशा पैसा हमारे पास होना चाहिए विद इकोनॉमिकल कॉस्ट। बाहर से अगर पैसा लिया है तो इस तरीके से लो कि उसकी कॉस्ट मिनिमल होनी चाहिए एंड सॉल्वेंसी तो होना ही चाहिए।
सॉल्वेंसी होना चाहिए, मतलब कि कभी आपके पास ऐसा नहीं आपने पैसा ले लिया और आप वापस दे ही नहीं पाओ, तो उस तरीके से आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमने क्या देखी, इट्स अ मेमोरी टेक्निक, शायद इसे जल्दी आपको लर्न हो सकता है। देन टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट वन, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ओनली इक्विटी शेयर। अब देखो, इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू करना मैंडेटरी है, वो जरूरी होता है इशू करना। तो सबसे पहले अगर कंपनी को ज्यादा फंड नहीं चाहिए तो सिर्फ इक्विटी शेयर इशू कर लेगी, हो गया काम। नेक्स्ट, प्रिफरेंस विद इक्विटी शेयर्स, इक्विटी इशू कर दी अब प्रिफरेंस और इशू कर देगी। नेक्स्ट, देन डिबेंचर विद इक्विटी। देखो इक्विटी सब में आएगा, अब डिबेंचर्स मतलब लोन ले लो, या लास्ट में प्रिफरेंस एंड डिबेंचर्स विद इक्विटी। ज्यादा फंड चाहिए तो इक्विटी तो इशू हो गई, साथ में प्रिफरेंस एंड डिबेंचर्स भी आप इशू कर दो। ठीक है, तो ये चार टाइप के हमने कैपिटल स्ट्रक्चर्स देख लिए। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या फैक्टर्स है जिससे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट होता है, राइट? कि कैसा हमें कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहिए। फर्स्ट इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले टाइप ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली आपका बिजनेस कौन से टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग का है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा फंड चाहिएगा, और अगर मैं बोलूं नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं ट्रेडिंग का है तो उस केस में मुझे कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं रहेगी। वही है कि हमारा अगर देखो मैन्युफैक्चरिंग है तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, और लार्ज अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर्स इशू करोगे, प्रेफरेंस इशू करोगे, डिबेंचर्स, क्योंकि हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए। और अगर हमारा छोटा बिजनेस है, अगर मैं बोलूँ ट्रेडिंग का है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, वो ले लूंगी, बैंक लोन ले लूंगी या फिर क्रेडिट्स ले लूंगी। इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, इंटरनल फैक्टर अफेक्ट करेगा। साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस, बड़ा बिजनेस है आपका तो उस केस में आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए, ज्यादा चाहिए तो इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म आपका जो लॉन्ग टर्म आपका फाइनेंस है वो आपको इशू करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर इशू करना पड़ेगा। और अगर छोटा बिजनेस है तो उस केस के हम क्या करेंगे, बैंक लोन इंस्टीट्यूशन से हम ले सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। अब बिजनेस इनकम मुझे लग रहा है हाँ फ्यूचर में अच्छा पैसा मैं कमा लूंगी, राइट, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, डिबेंचर्स, बैंक लोन भी ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो मैं अगर पैसा नहीं कमाऊं तो भी मुझे देना तो पड़ेगा उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि बिजनेस इनकम आपके फ्यूचर में क्या है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मुझे रिस्क है तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगी, शेयर्स इश्यू कर दूंगी, क्योंकि उस केस में प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड दो, नहीं तो मत दो। नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ असेट्स। अगर आपको पता है आपको असेट ज्यादा चाहिए, फिक्स्ड असेट ज्यादा चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उस केस में आपको इक्विटी इशू करना पड़ेगा। छोटे मोटे असेट चाहिए तो उस केस में आप छोटा मोटा लोन ले सकते हो। एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि मेरे यहाँ पे ज्यादा शेयर होल्डर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक बार तो उसने इक्विटी इशू कर दिया, नेक्स्ट टाइम वो शेयर इशू नहीं करके डिबेंचर्स, बैंक लोन ये सब देगा। अगर वो चाहता है कि हाँ चलेगा मुझे ज्यादा शेयर होल्डर चलेंगे, तो वो इक्विटी इशू करेगा, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर सोचते हैं शेयर होल्डर्स लिमिटेड में हो, क्योंकि जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट ज्यादा भी होगा तो भी वो क्या होगा, सारा डिविडेंड हमें बांटना पड़ेगा। जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे प्रॉफिट डिविडेंड उतना ही बटेगा, तो बोलेगा ग्रोथ ही नहीं हो रही, ऐसे तो कोई शेयर होल्डर जहाँ पे है वहीं पे रह रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है पर शेयर होल्डर्स भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से वो बोलता है कि हमें डायरेक्टर्स के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, वो जिस तरीके से चाहता है, जितना कंट्रोलिंग पावर चाहता है शेयर होल्डर्स का हो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। अब आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंस की, आपको अच्छा ग्रोथ करना है, एक्सपांशन करना है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिबेंचर्स या इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, और नहीं तो आप छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हो बाय दी शॉर्ट टर्म लोन्स। देन ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब कैपिटल ड्यूरेशन वो बोल रहा है तो वही कि आपको कितने टाइम तक चाहिए, तो उस पर डिपेंड करेगा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए आपको कैपिटल चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमें पता है इक्विटी है, क्योंकि उसे तो हमें बाद में लिक्विडेशन पे ही वापस रिडीम करना पड़ता है, तो उस केस में हम इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स विच डिटरमाइन द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन दिस बूम डिप्रेशन। अब बूम मतलब हम बोलते हैं जब मार्केट में क्या बहुत अच्छी तेजी चल रही है, हम बोलते हैं बहुत पैसा है मार्केट में, सब लोगों के पास अच्छा पैसा है, अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे हमारे यहाँ पे, राइट? कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है कि हम तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड है तो लोग क्या सोचेंगे, इन्वेस्टर सोचेंगे हमें तो फिक्स इनकम चाहिए तो डिबेंचर्स में जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इश्यू करना पड़ता है। बूम पीरियड में लोग इक्विटी शेयर्स इशू कर लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स बनना चाहेंगे, बट डिप्रेशन में लोग डिबेंचर होल्डर्स बनना चाहेंगे।
प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट। अब प्रेजेंट रेट इंटरेस्ट की क्या चल रही है, बहुत ज्यादा हाई रेट चल रही है तो कंपनीज क्या करेगी, क्या डिबेंचर इशू करेगी? नहीं, उनको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। उस केस में बोलोगे इक्विटी शेयर होल्डर से इशू करेंगे, राइट, प्रेफरेंस शेयर से इशू करेंगे। एक्सपेंस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी, हम देखते हैं शेयर्स, और हम जब एक्सपेंसेस जो रहते हैं शेयर्स के, तो उस केस के अंदर एक्सपेंसेस ज्यादा रहते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, प्रोस्पेक्टस लगता है, ये सारे खर्चे ज्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली टू डिबेंचर। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें क्या इशू करना चाहिए। कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो मैंने बोला कि इक्विटी शेयर इशू करना मैंडेटरी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स, पता ही है सबको इनकम्स पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो अगर हमें पता है कि हमारा टैक्स बहुत ज्यादा है, तो उसे कम करने के लिए कंपनीज क्या करती है, डिबेंचर्स इशू कर देगी, बैंक लोन ले लेगी। क्यों? इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा टैक्स कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर पता है ज्यादा बर्डन नहीं है, तो उस केस में हम इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, राइट। देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब जो इन्वेस्टर कोई इंस्टीट्यूशन है जो दूसरे इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कर रही है, बैंक्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, जो दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, तो उनके इंटरेस्ट और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, हम लोग इशू करते हैं, कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज को। एंड लास्ट इज FII, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FII मतलब जो बाहर के फॉरेनर्स है, इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंडिया में क्या करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, कंपनी सिक्योरिटीज इशू करेगी। क्लियर है? तो ये सब चीजें थे एक्सटर्नल फैक्टर्स, और हमने इंटरनल फैक्टर्स देखे जिससे डिपेंड होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। क्लियर है? मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया है। तो प्लीज अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब जो इसका हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, वो मैं मेरे थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगी। ओके, सो बाय।